मैं अभी शांतिपुरा में ऐसा ही कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, अभी चौचुआ में और करने जाऊंगा। पर ठीक कह रहे हैं वीडियो साहब, जो रंग यहाँ दिखा है वो और कहीं नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सबको बधाई, विद्यालय परिवार को बधाई, सारे गांव को बधाई, सारी पंचायत को बधाई। बहुत अच्छी बात है, सारे गांव का इतना जुड़ाव हो जाए विद्यालय के साथ, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो अभी आज़ादी का 75वां साल अपन ने मनाया अमृत महोत्सव, 25 साल पूरे होते उत्सव मनाते हैं, 50 पूरे होते उत्सव मनाते हैं, इस बार 75 साल पूरे होने का मौका अपन को मिला। जब 25 साल हुए थे देश की आज़ादी, तो तब मैं 11वीं में पढ़ता था, और उसमें तो पाकिस्तान का युद्ध ताजा ताजा हुआ ही था, बांग्लादेश आजाद कराया था अपन, लेकिन इतना उत्सव नहीं हुआ था, याद है मुझे अच्छी तरह से। फिर 50 साल जब पूरे हुए थे, तब भी छोटी मोटी हलचल हुई थी, पर इतना बड़ा उत्सव नहीं हुआ था। अब जब 75 साल पूरे हुए हैं, तो पूरे देश में जो हलचल मची, देश ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल मची, और सारी दुनिया को पता लग गया कि भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, इतनी धूमधाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से कहा कि पहले अपना तिरंगा झंडा लगाने की आज़ादी नहीं थी, अपन नियम थे उसके, स्कूल पे लग सकता है, हॉस्पिटल पे लग सकता है, ऑफिस पे लग सकता है, थाने में लग सकता है, घर पे नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री जी ने कानून में परिवर्तन करके कहा सब लगाओ, तो घर घर में लग गए। कहा था 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लगाओ, 15 को गए हुए 15 दिन हो गए, अभी तक लगे हुए। इतना जोश आपने भर गया उसके लिए तो बधाई, लेकिन वो जब आदेश निकाला कि झंडा आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं, अपनी कार पे भी लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे लगा सकते हैं, उसके साथ कुछ शर्तें भी हैं, कुछ सावधानियां हैं, वो हमको याद रखनी चाहिए। झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, झंडा जमीन को टच नहीं होना चाहिए, झंडा उल्टा नहीं होना चाहिए, झंडा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, फट गया तो उतार, ज्यादा लोभ मत कर, जोश है दूसरा लगा, तो फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, झंडा अपने पैर को टच नहीं होना चाहिए। और एक और बड़ी बात, यदि आपके घर पे और भी कोई झंडा लगा हुआ है, आपके समाज का झंडा है या आपके कोई धार्मिक झंडा है, हनुमानगिरी ध्वजा लगोड़ी, घर में हनुमानगिरी मंदिर में ध्वजा लगोड़ी है, तो तिरंगा झंडा उस ध्वजा से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे है तो उसका अपमान है। ये 4-5 बातें अपन को ध्यान रखनी चाहिए, खूब काम में लो, खूब हाथ में रखो, गाड़ियों पे रखो, घर पे रखो, लेकिन झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। आप थोड़ा मेहरबानी करना, नहीं तो पुलिस वाले कर केस कर देंगे, हमारी धंधो चाहिए। खेल कूद में जो आप लोगों ने भाग लिया, अभी कह रहे थे कि बुजुर्ग लोग खेल रहे थे, सर जी जो खेलते हैं वो बुजुर्ग नहीं होते, और जो बुजुर्ग होते हैं वो खेल नहीं सकते, आजवन कौन हमारे में बुजुर्ग कौन होता है, जो मन से मान ले कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, वो बुजुर्ग। 50 साल के आदमी उम्र में भी आदमी बूढ़ा हो सकता है, और 100 साल तक भी बूढ़ा नहीं हो, मन से जिसने बूढ़ा मान लिया अपने आप को वो बूढ़ा है, मन से जो अपने आप को जवान मानता है वो जवान है। अभी तीन चार महीने पहले हरियाणा की एक महिला ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, कितने साल की उम्र थी उसकी बच्चों बताओ, को याद है किसी को, हरियाणा की महिला कितने साल की उम्र थी, अभी 2 महीने पहले की बात, 103 साल की औरत, उसके पड़ पोते पड़ दोते हो गए और वो दौड़ रही है, और उसको स्वर्ण पदक मिला, सोने का पदक मिला, पहला नंबर मिला, क्यों मिला,
दूसरे को बताया नहीं दौड़ने वाला। उसकी उम्र में वो एक ही थी, उसके आसपास भी कोई नहीं। और उसकी हिम्मत देखो, 100 मीटर दौड़ने के लिए खड़ी हो गई वो, मैं दौड़ूंगी। खेत पर काम करती है, घर पे काम करती है, बल्लोड़ा करती है, भैंस दौड़ती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसको पता चला कि प्रतियोगिता हो रही है तो वो ट्रैक सूट पहन के आ गई, मैं भी दौड़ूंगा। अभी ये वीडियो पे बता रहे थे, वो चौंचुआ में कबड्डी चल रही है, सारे किसान लोग वो गोडे तक की धोती करती है और बनियान पहनी हुई, सब कहते एक ही ड्रेस बजा। गाँव में पहले भी खेल होते थे, सरकार नहीं कराती तब भी होते थे, खूब होते थे। रात को 12-12 1-1 बजे तक मैं अपने गली में कबड्डी खेला हूँ, अब भूल गए। तो इस विद्यालय परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि सबको कबड्डी खेलने याद दिलाए, हमारे सरपंच साहब को सर याद दिलाए। सरपंच साहब खेले नहीं खेले साहब, तो बस सब में जवानी आ गई, सबको अपनी जवानी याद आ गई और सब खेल के मैदान में उतर पड़े। और एक और आपको ज्ञान की बात बताता हूँ, गीत गाना, डांस करना।